بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. یہ آئے مودت ہے جو ہمارے بچوں کے دلوں پر بھی نقش ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں. پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت رکھتے. جی، یہ ترجمہ تو مستقل سنتے ہی رہتے ہیں. مجھے اس سلسلے میں ایک بات کہنی ہے اور بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے قرابت داروں سے محبت رکھو، یہ ہمارے کا ترجمہ کس لفظ کا ہے مجھے نہیں پتا. المودت فی القربى، سوائے قربا کی محبت کے اور کچھ نہیں مانگتا. یہ کہاں ہے کہ ہمارے قرابت کا قربا پڑھیے محمد اور آلہ. اچھا، کسی کے تو قرابت دار ہیں جن کی محبت اجر رسالت ہے. تو اب ایسی صورت میں غور کریں تو تین شکل پیدا ہوتی ہے، تین صورتیں بنتی ہیں. ایک، یا اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے جس کا یہ کلام ہے. ایک صورت. دوسری صورت جو سب کہتے ہیں وہی، کہ اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے جس کے ذریعے یہ ہم کو حکم ملا، یعنی ہمارے نبی. سب یہ کہتے ہیں. اور ایک تیسری صورت ہے کہ کوئی اور تیسری ذات ہے، کوئی اور ذات ہے، کوئی اور ہستی ہے جس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے. یہ تین شکلیں. عزیزان محترم، جہاں تک
पहली बात है कि उसके कराबतदार जिसका ये कलाम, तो कराबतें बनती हैं, पैदा होती हैं पैदाइश से। कोई किसी को जन्म दे दे तो बेटा पोता नवासा, कोई जन्म दे दे तो बाप दादा लकड़ दादा सारे रिश्ते, और कोई किसी से जन्म ले ले तो बेटा पोता सब कुछ सारे रिश्ते, है ना। तो पैदाइश पैदाइश रिश्ते बनते हैं पैदाइश पे, उसका कलाम जिस उसके कराबदार जिसका एक कलाम, तो वो अपने लिए खुद ही ऐलान किए बैठा है कि लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जन्म दिया है न किसी से जन्म लिया है, तो न उसका कोई बाप दादा है न उसका बेटा और पोता नवासा है। सलवात पढ़ियो मदरसा। है ना, तो अब उसके कराबतदार हो नहीं सकते। कुर्बत वाले मिलेंगे, कराबत वाले नहीं मिलेंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले। फिर मान लिया जाए कि हमारे नबी मुराद हैं, इसीलिए लोग तर्जमा करते हैं हमारे कराबतदारों से मोहब्बत, जाहिर है कि उसमें क्या हरज है मानने में। मगर कुरान ने खुद कहा है कि युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान के बाद हिस्सों की तफसीर खुद कुरान करता है। इस रोशनी में एक आयत और कुरान में मिली हमको, पूरी तवज्जो थोड़ी सी गुफ्तगू फिर आगे बढ़ता हूँ शहज़ादे के जिक्र पर, और उन्हीं से वाबस्ता ये बात भी है। दूसरी आयत में अल्लाह ने ऐलान किया व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, नबी को हुक्म दिया अल्लाह ने कि मेरे नबी मरकज़े क़ुरबा को उनका हक़ दे दीजिए। कुर्बा को नहीं, मरकज़े कुर्बा को उनका हक दे दीजिए। तो मेरा नबी जिसको इस हुक्म के बाद कुछ दे वो है मरकज़े कुर्बा। किसी सहाबी को नबी ने इस आयत के बाद कुछ दिया हो तो उसके कराबतदार मुराद हैं। किसी बीवी को कुछ दिया हो तो उसके कराबतदार मुराद हैं। लेकिन इस आयत के बाद, इस हुक्म के बाद अगर तफसीरें बताती हैं, तारीखें लिखती हैं कि शहज़ादी जनाब सैयदा को फदक दिया, पैगंबर ने इस हुक्म के बाद जनाब सैयदा को फदक दिया, तो इसका मतलब यह है कि मरकज़ क़ुरबा फातिमा हैं। और जब मरकज़ क़ुरबा फातिमा हैं तो अब नबी के कराबतदारों की मोहब्बत अजरे रसालत नहीं है, फातिमा के कराबतदारों की मोहब्बत। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले। मरकज़ क़ुरबा है फातिमा, लिहाजा फातिमा के कराबतदारों की मोहब्बत अजरे रिसालत है। और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मरकजी हैसियत
तो हर जगह नजर आती है। आए तथीर का मरकज कौन है? सूरह हलता का मरकज कौन है? आए मुद्दत का मरकज कौन है? आए मुबाहला का मरकज कौन है? सलवात पढ़ियो मोहम्मद और आल मोहम्मद। मिलेंगे तो हर जगह पंजतन पाक, लेकिन मरकजी हैसियत किसी की नहीं है, न नबी की है, न अली की है, न शाहजादों की है। मरकजी हैसियत फातिमा की है। जिस मंजिल में भी चाहिए गौर कर लीजिए, एक छोटी बड़ी हल्की सी बात पहले बता दूं। सूरह हलाता मरकज फातिमा है। जितनी सनद है सब फातिमा के लिए है। जिसकी तारीख आप लोगों ने शायद सुनी हो, हलाता के सूरह के नुज़ूल की तारीख, कि सूरह नाजिल हुआ उस वक्त जब शाहजादे बीमार थे और जनाब सैयदा नबी के पास गई, बच्चों की बीमारी का जिक्र किया। मेरे नबी ने कहा कि मन्नत मान लो, शिफा होगी, रोजे रखेंगे, मन्नत मान लो। नजर कर ली, शिफा हो गई, सब सारी तारीख आप पेश नजर सुनते रहते हैं। अलबत्ता सोचने की बात यह है कि समझने की बात है, मन्नत मुराद कौन करता है? जो घर का बड़ा बुजुर्ग हो, जिसको मोहब्बत हो बीमार से, जो ज्यादा इबादत गुजार हो घर में, वही तो मन्नत मुराद करेगा। तो इस घर में बुजुर्ग भी नबी हैं, हैं? सबके बुजुर्ग हैं। इबादत की शान यह है कि अल्लाह रोक रहा है, कुम इल्ला इल्ला कलीला, ए मेरे हबीब इबादत में कमी कर दीजिए, पैरों पे वरम आ जाता है। इबादत की शान ये, और मोहब्बत की मंजिल यह है कि अगर आ जाए पुष्पे तो सज्दे से सर नहीं उठाते। सलवात पढ़ी मोहम्मद और आल मोहम्मद। तो दिल चाहता है हाथ जोड़ के कहूं, या रसूलल्लाह, आपने खुद क्यों नहीं मन्नत मानी, बेटी से क्यों कहा? मन्नत तो आपको माननी चाहिए थी हर एतबार से। जब गौर करेंगे तो कोई तो मसलहत है, मुझसे सुन लीजिए। अच्छा चलिए, और दो एक दो जुमले कह दूं। मन्नत नहीं मानी, नहीं सही। फातिमा ने मन्नत मान ली, रोजे वो सेहत मिल गई, रोजे रखे गए। आप बड़े इबादत गुजार, मगर रोजा रखने वालों में आपका नाम नहीं। घर भर ने रोजा रखा है मगर पैगंबर शरीक नहीं है। जरा गौर कीजिएगा। और रोटियां दी गई तो पांच नफर तो हैं,
मगर वो फिजा हैं पांचवीं, अली फातिमा हसन हुसैन फिजा हैं। रोटियां देने में शरीक नहीं, साहिल को रोटियां देने में भी नबी शरीक नहीं। मन्नत नहीं मान रहे हैं, चलिए मन शिफा मिल गई तो रोजे भी नहीं रख रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? अरे घर की कनीज तक रोजा रखे आपने रखे? सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये कौन सी बात हुई? कहा तुम पहचानोगे, गौर करोगे तो समझ में आएगा। जब कुरान में एक एक आयत फजीलत की बताई जाएगी और कहा जाएगा क्या आयत अतहीर अहले बैत की शान में है, तो लोग कहेंगे अगर नबी लेके चादर के नीचे न हो लेटे होते तो ये शरफ न मिलता अहले बैत को। मैंने कहा मुबाहले की आयत का मरकज अहले बैत है, पंजतन गए थे मुबाहले में। कहा नबी अगर लेके न गए होते तो ये शरफ न मिलता। मैंने कहा कि एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला हूँ। बंद कर दो, एक मिल के दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये नहीं, ये फुटकर सलवात है मिलजुल करके बुलंद आवाज से। मैंने बहुत हल्की फुल्की चीजें छेड़ी हैं कि जो जहनों में उतर सकें। फलसफा कोई नहीं छोड़ा है अजीजों। नबी शरीक नहीं है, हर जगह मरकज हैं। जो फजीलत गिनाई, मैंने कहा आली फातह खैबर हैं उनका शरफ पहचानो। कहा अगर नबी के दोस्ते दुआ बुलंद ना होते तो ये अली को कामयाबी न मिलती। हर मंजिल में नबी शरीक हैं। फजीलत साहिब फजीलत तो वो भी है ना, लिहाजा हर फजीलत में नबी शरीक हैं। तो दुनिया को मौका मिल गया, सब नबी के तफैल में है, नबी के सदक़े में है। नबी ना होते तो कुछ ना मिलता। मैंने कहा एक जुमला कहता हूँ, ये चाहता है कहूँ कि काश कोई ऐसा भी तो मुकद्दर लेके आता कि नबी के तुफैल में फातह खैबर बनता, नबी के तुफैल में साहिब तथीर बनता। सलावात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लेकिन नबूवत के पेश नज़र है कि जब बच्चों को शिफा मिलेगी, रोज़े रखे जाएंगे, तो आज आयत नहीं उतरेगी, आज सूरा उतरेगा। पूरी तवज्जो, आज एक आयत नहीं उतरेगी, पूरा सूरा उतरेगा। तो मैं अपने को अलग किए लेता हूँ। फातिमा तुम मन्नत मानो, फातिमा तुम रोजे रखो, फातिमा तुम रोटियां बढ़ाओ, तुम्हारे साथ लोग शरीक रहें, मगर मैं नहीं शिरकत करूंगा, ना रोज़ा रखूंगा ना रोटियां दूंगा। क्यों? इसलिए कि हर आयत में मेरी शिरकत रहेगी तो लोग कहेंगे नबी के तफ़ैल में ये शरफ मिला है आले मोहम्मद को। जब आज पूरा सूरा उतरेगा अहले बैत की शान में, तो किस्मत दमे के कहे एक आयत तो पहली है पूरा सूरा। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मरकज है कि नहीं? आए तथीर में इस्मत तहारत का ऐलान हो रहा है, मरकज कौन है? नबी मरकज है।
अली को मरकजी हैसियत हासिल है? नहीं। पता उस वक्त चला कि आए तथीर लाने वाले फरिश्ते ने, जिब्राइल ने जब पूछ लिया पालने वाले चादर के नीचे ये कौन लोग हैं, फिर मुझे हैरत हुई, क्या ये मान लिया जाए कि जिब्राइल ने पहचाना नहीं कि कौन लोग हैं? और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद ये कैसे मान लूं? आज पंजतन इकट्ठा हो गए थे, लोग पढ़ने लगते हैं, कहने लगते हैं पंजतन इकट्ठा हो गए तो नूर की ताबिश इतनी बढ़ी कि आंखें खीरा कर गई, ना पहचान पाए। गलत है, जिब्राइल और खता हो न पहचाने। और क्या पंजतन को कभी इकट्ठा देखा नहीं? चक्की चलाने आए तो नहीं देखा, झूला झुलाने आए तो नहीं देखा, और कहीं नहीं देखा था तो मुबाहले में तो खुले मैदान में देखा था, वहां क्यों नहीं कहा ये कौन लोग हैं? सलवा पढ़िए मोहम्मद और आले। फिर मसला मुश्किल है, जब एक एक को पहचानते थे तो फिर पूछा क्यों जिब्राइल ने? कहा इसलिए पूछा, मैं कह रहा हूं इसलिए पूछा कि वही लेकर आते रहे, फजीलतें सुनाते रहे अहले बैत की, पहलू में बैठने वालों का हौसला देख लिया, हम भी हैं इस फजीलत में शरीक, हम भी जिब्राइल ने नबी के पास बैठने वालों का मिजाज पहचान लिया था कि हर फजीलत के लिए हम भी। तो आज इस्मत का तोहफा जा रहा है, जुमला पहचानिएगा, ये बड़ा नाजुक तोहफा है, ये छीना झपटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नाजुक तोहफा है। लिहाजा जिब्राइल ने जब पहचानते थे जानबूझ के पूछा कौन लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि इस्मत का तोहफा ले जाने के पहले अल्लाह की जबान से तय हो जाए कि कौन इसका मिसदाक है तथीर का, ताकि कोई गैर झपट के आए नहीं। सलवात पढ़ी हो मजरा। इस्मत का तोहफा है नाजुक, लिहाजा पूछ लिया कौन है, कुदरत ने भी जवाब दिया, तो क्या कहा? नबी और उनकी बेटी, नबी और उनके दामाद, नबी और उनके बच्चे। अभी मकसद तो यही था ना कि पहचान लिया जाए कि यह आयत किसके लिए जा रही है, तो बुजुर्गी का भी तकाजा था कि मरकज नबी को बनाया जाता और कहा जाता नबी हैं, उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं, उनके बच्चे हैं, आयत तथीर के चादर के नीचे जितने थे सबका तारुफ हो जाता। लेकिन मरकज फातिमा को क्यों बनाया? जिब्राइल के मिजाज को मैंने पहचाना। पूछा क्यों है? पूछा इसलिए है कि गैर आने ना पाए, अपना छूटने ना पाए, गैर आने ना पाए। नहीं पहचाना? अरे अगर कह दिया था नबी और उनकी बेटी तो तारीखी बेटियां भी हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, नबी और उनके दामाद। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो जिब्राइल चाहते हैं कि गैर आने ना पाए, लिहाजा सवाल कर लिया
अब इनके मनसे को पहचान के कुदरत ने कहा कि ये क्यों कहूँ कि नबी और उनकी बेटी फातिमा और उनके बाप, फातिमा और उनके शौहर, फातिमा और उनके बच्चे। अब पहचाना, कुर्बा को पहचाना कराबत रिश्ते से होती है ना, लिहाजा रिश्ता गिनाया है, फातिमा के बाप, फातिमा के शौहर, फातिमा के बच्चे, मरकज़े कुर्बा फातिमा है, फातिमा के कराबतारों की मोहब्बत अजरे रसालत है। जरूर पढ़िए मोहम्मद, मरकजी हैसियत है। अब आइए मुबाहले की मंजिल में भी गौर कर लीजिए, कौन है मरकज? फातिमा है मरकज, या मुश्किल है, गौर कीजिएगा, फातिमा है मरकज। क्यों? इसलिए कि जितने मेरे अजीजो जितने ताकत के मैदान सजे थे सबके फातह का नाम अली, हर मैदान के फातह का नाम अली, मगर मुबाहले की फातह का नाम है फातिमा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले। असल मंजिल तक मैं आ गया, जो चंद बातें मुझे पढ़नी हैं, समझानी हैं, फजीलत तो अपनी जगह पर है। मुबाहले की फातह फातिमा है, मुबाहले का मैदान ताकत का मैदान नहीं है, मुबाहले का मैदान किसका मजहब बेहतर, किसका दीन कामिल। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद, और कर रहे हैं। तो अब दीन और मजहब के लिए मर्द और औरत, और मर्द के लिए भी जिंदगी के तीन हिस्से तीन मोड़, औरत के लिए भी। मर्द कभी बेटा होगा, कभी शौहर बनेगा, कभी बाप बनेगा। औरत कभी बेटी होगी, कभी बीवी बनेगी, कभी माँ बनेगी। तो दीन कानून का नाम है ना, तो छह तरह के कानून की जरूरत है। अगर इसमें कमी रह गई तो मुबाहला नहीं। मुबाहला मजहब के कमाल और बेहतरी का नाम है। किसका मजहब बेहतर, किसका दीन कामिल। तो आइए मर्दों के लिए नमूना चाहिए सीरत का, सीरत ही ना कानून है, तो मर्दों के लिए नमूना चाहिए। तो बेटों ने कहा हमें चाहिए नमूना, तो हसनैन ने आवाज़ दी आओ हम बेटे बन के मौजूद हैं मोबाइले में, हमसे ले लो नमूना। शोहर ने कहा हमको चाहिए सीरत, आवाज़ दी मौला ने आओ हम शोहर का शोहर के नुमाइंदा बन के आए हैं, नमूना ले लो। बाप ने कहा हमको चाहिए नमूना, नबी ने आवाज़ दी हम मोबाइले में आए हैं बाप बन के। तो अब हर एक मर्दों के लिए हर एक कानून मुकम्मल मौजूद है मुबाहले में। और अब औरतों की बात आई तो बेटियां कहेंगी हमें चाहिए कानून, बीवियां कहेंगी हमें चाहिए कानून, माएँ कहेंगी हमें चाहिए कानून, और गई हैं अकेली फातिमा मुबाहले के मैदान से। बेटियों को पुकार के कहेंगे आओ मेरे पास, मैं नबी की बेटी बन के आई हूँ नमूना लेकर। और बीवियों को आवाज़ देंगे आओ मेरे पास, मैं अली की बीवी बन के मुबाहले में आई हूँ, सीरत ले लो। क्या कहने, क्या कहने?
माए आवाज देंगी तो क्या फरमाएंगी, आओ मैं हसनैन की माँ बन के आई हूँ। तो एक अकेली फातिमा है, औरतों के तीनों कानून को मरकज बन के आई हैं, बेटी भी बन के आई हूँ मुबाहले में, शौहर भी बन के आई हैं, माँ भी बन के आई हैं। आधा मुबाहला तो मिल गया ना फातिमा को, अब बात यह रहेगी कि आधा तो मर्दों के पास है, आधा ही तो मिला फातिमा को। और मैंने कहा है मुबाहले की फाते फातिमा है, पूरी तवज्जो, एक जुमले में बात मुकम्मल हो जाए तो अच्छा है। अतीजो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए मुबाहले से फातिमा को अलग कर दो, फातिमा को अलग कर दो, उसके बाद नबी से कहो कि दे बाप बन के नमूना, किसके बाप, सलवात पढ़िए मोहम्मद अली से कहो दे शौहरों को सीरत, किसके शौहर, शहजादों से कहो किस दे बच्चों को, किसके बेटे। फातिमा को अलग करोगे तो मुबाहला सर नहीं होगा, और फातिमा रहेंगी तो वहीं से फातिमा आवाज देंगी, मेरे बाप, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मरकजी हैसियत है फातिमा की। यहाँ तक तो फजीलत आपने सुनी, अब काम की कुछ बातें भी मुझसे सुन लीजिए। दीन मुकम्मल हुआ है फातिमा से, और अजीब बात है कि कुरान कह रहा है कि कानून जिंदगी नबी की सीरत है, रसूल की सीरत। वक़्त कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मुसलमान तुम्हारे लिए कानून हयात, नमूने अमल, रसूल का उसवा, रसूल की सीरत है। और कानून चाहिए मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, नमूना चाहिए ना। और जब रसूल की सीरत है कानून, तो मर्दों को दे देंगे कानून, मर्द है ना, औरतों को कैसे देंगे कानून। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, औरतें नमाज पढ़ेंगी कि नहीं, हैं? हुजूर आप ही की सीरत कानून बनेगी, तो ये बता दिया आप कैसी नमाज पढ़ेंगे, मर्दानी नमाज पढ़ेंगे कि जनानी, सलवात पढ़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई मर्दानी नमाज है तो मर्दों के लिए कानून, जनानी नमाज है तो औरतों के लिए कानून, तो आप बताइए आप कैसी नमाज पढ़ेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ के दे सकते सीरत नमाज के लिए, दीन के लिए, तो अब ज़रूरत है ना कि किसी औरत का किरदार कानून बने। अरबाब नज़र, किसी औरत का किरदार कानून बने, और हर औरत का किरदार कानून बन नहीं सकता। कितने ही बुलंद रुतबे वाली औरत क्यों ना हो, उसकी सीरत कानून नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए कि रसालत की कैद लगी है, तो उसका किरदार रसालत का किरदार तो बनेगा नहीं। तो अब ज़रूरत है ना कि कोई ऐसी औरत हो कि जिसका किरदार रसालत का किरदार बने, उसवतुर रसूल बने। अब समझ में आया कि नबी को, साहेब वही को अल्लाह के हुक्म से क्यों कहना पड़ा कि फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा रसालत का जुज है, लिहाजा बिज़ातुर रसूल बन के फातिमा दीन को मुकम्मल कर रही है, सलवात पढ़िए मोहम्मद।
है ना, ये न समझे कोई कि बेटी की मोहब्बत में नबी ने कहा था कि फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा मेवा दिल है, मेरे दिल का टुकड़ा है, ये सब बातें गलत हैं। बज़ातुम मिन्नी, मेरा हिस्सा है। और कुरान ने कह दिया है कि माँ मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सवाए रसूल के। तो अब कुछ नहीं है सवाए रसूल के, तो उसी रसालत का हिस्सा हैं फातिमा। बिज़ातुर रसूल हैं, सीरत इनकी कानून बन रही है। अब आइए मसला हल हो जाए। नबी पढ़ता, अगर नबी बता देता तो मसला जुबानी होता, नमूना ना होता, अमल ना होता, है ना। अब अमल की मंजिल में मैंने एक जुमला कहा था, हुजूर कैसी नमाज पढ़े, जनानी के मर्दानी। तो शायद समझ में ना आया हो बच्चों के, तो मैं वाजे कर दूं, क्या फ़र्क है जनानी नमाज में। अब मैं यहाँ से मैं अपना फरीजा अदा कर रहा हूँ, मर्दानी नमाज में और जनानी नमाज में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। मर्दों के लिए हुक्म क्या है, क़याम की हालत में दोनों हाथ गिरे रहें। औरत के लिए हुक्म ये है कि बेहतर है कि दोनों हाथ सीने पे रहें। रुकू की हालत में मर्दों के लिए हुक्म है पीठ सीधी हो जाए, औरतों के लिए हुक्म है रुकू सादिक आ जाए, उंगलियां पहुंच जाएं घुटनों तक, काफ़ी है। क़याम में मर्दों के लिए हुक्म है कि पाँव में फासला रहे, औरत के लिए हुक्म है कि पाँव मिले रहें। क़ऊद में बैठने की हालत में मर्दों के लिए हुक्म है कि जानू गिरे रहें, औरत के लिए हुक्म है कि जानू सीने से मिले रहें। बहुत सी चीज़ें जानते ही नहीं। सलावात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मासूमा की यादगार मनाएंगे और उसमें भी न सीखेंगे ये बातें तो कब सीखेंगे। मगर हो सकता है कोई कहे क्या नमाज बातिल है अगर औरत का जानू गिरा है तो, अगर औरत के क़याम में औरत के पाँव में फासला है तो क्या नमाज गलत है। सीने पर हाथ नहीं है क़ऊद की सूरत में तो क्या गलत है क़याम की सूरत में। नहीं, गलत तो नहीं है, सुन्नत है ये सब, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। नमाज तो मर्दों की भी सही हो जाएगी अगर वो अमल ना करें, कदम मिला ले तो भी सही है नमाज, मगर सुन्नत है, सवाब कम हो जाएगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद, है ना। तो अब ये सुन्नत है, चलिए छोड़िए इन बातों को। जहाँ नमाज बातिल हो जाएगी वो सुन लिए, वो है कपड़ा लिबास। फर्क पहचानिए, मर्दों के लिए सतर छिपाना नाप से घुटने तक का ज़रूरी है, काफ़ी है। नाप से घुटने तक का छिपा लेना काफ़ी है। औरत सर से पांव तक, नमाज की हालत में अगर दो चार बाल खुले हैं तो नमाज बातिल। सलावात पढ़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद। बाजू खुले हैं तो नमाज गलत, पिंडली खुली है तो नमाज बातिल।
बहुत चादर से और लपेट के पड़ रही है, मगर क़याम क़ऊद में अगर कमर खुल गई, पिंडली खुली रह गई तो नमाज बातिल। आप कहेंगे कि पर्दा तो नामहरमों के लिए है, से बचने के लिए है। मैं कहूँगा ठीक है, चलो नामहरम से बचने के लिए पर्दा है, शोहर से तो पर्दा नहीं ना है। शरीयत कहती है शोहर के सामने भी बीवी नमाज पढ़े और पिंडली खुल जाए, सर का बाल खुला रह जाए दो चार भी, तो नमाज बातिल। शोहर के सामने, बाप के सामने, बेटे के सामने। और अब भी समझ में आया कि पर्दा कितना अहम है औरत के लिए। अब भी समझ में आया तो मुझसे सुनो, न बाप है, न शौहर है, न भाई है, न बेटे हैं, न महरम है, न नामहरम है, अकेली है बंद कोठरी में, बंद कमरे में अकेली नमाज पढ़ रही है। बाल खुले हैं कुछ दो चार तो नमाज बातिल है, पिंडली खुल गई तो नमाज बातिल है। अब बताओ पर्दा नामहरम के लिए है, हैं? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बुरी निगाहों से बचाने के लिए है, जहां बुरी निगाहें नहीं हैं, आम माहौल है, वहां कोई हरज नहीं है। अरे किसने कहा बुरी निगाहों से बचाने के लिए? मुझसे सुनो, बंद कोठरी में कौन बुरी निगाह डालने वाला है? और वहां जब पर्दा है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को औरत के लिए पर्दा पसंद है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मिलजुल के सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अजीब अजीब रस्में राइज हैं। अजीज अकरबा, चलिए जिंदगी में तो जो कुछ है वो तो है ही है। खानदान टूट रहा है, मरने के बाद गौसल दे करके मैयत लाई गई है, और मर्द की मैयत है तो औरतें टूट रही हैं। अरे दीदार कर लें दो, औरत की मैयत है मर्द टूट रहे हैं, मर्द की मैयत है तो औरत। नामहरमों को देखना हराम है तो तुम क्यों ना महरम को देखो? वो तो दुनिया से अब जा रही है ना, लिहाजा पर्दे का एहतमाम, अपनी अकल का अकल को काम में लाओ। देखो अरे तुम अभी गए हो दीदार करने के लिए और अब कब्र में उतारना हुआ तो चादर तानो, पर्दा तानो। सलवात पढ़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरे जनाजे पर मैयत में कोई बुरी निगाह डालेगा? लेकिन पर्दे का शरीयत का एहतमाम है, हुक्म है, लिहाजा औरत के लिए पर्दा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की पसंद है। मिलजुल के दुरूद पढ़िए मोहम्मद। मौलाना साहब आ रहे हैं तो जल्दी से चादर डाल लो, वहाँ छिपा लो चेहरे को। और सारे बाजार गांव वाले नामहरम तो कोई परवाह नहीं, उनसे पर्दा नहीं। ये सब कौन सी बातें हैं? शरीयत को सीखो शहजादी के तोफैल में, पहचानो इन बातों को। और अब आखिरी बात एक और सुन लीजिए, फिर उसके बाद माले मजलिस की तरफ आऊँगा, वो बड़ी अहम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कमस, जिहाद सब गिनते रहते हैं ना, रट लिया है दीनियात में, सब वाजिब वाजिब। अच्छा ठीक है वाजिब, मगर दो वाजिब ऐसे हैं कि जिसमें कोई छूट नहीं है। रोज़ा वाजिब तो है,
लेकिन छूट है, अगर सेहत ठीक नहीं है तो मत रखो। जकात वाजिब तो है, लेकिन अगर 21 मन से कम गेहूं पैदा हो तो मत दो। हज वाजिब तो है, लेकिन अगर सकत नहीं है तो मत करो। तो हर जगह छूट है। दो चीजें हैं जिनमें कोई छूट नहीं है इन वाजिबात में, एक है नमाज, दूसरा है खुम्स। नमाज की कोई गुंजाइश नहीं, कोई छूट नहीं है नमाज में। खड़े होकर के पढ़ो, नहीं खड़े होकर पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, पढ़नी पड़ेगी। बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो। करवट नहीं ले सकते चित लेट के पढ़ो, और अगर हिल भी नहीं सकते, अगर हिल भी नहीं सकते तो रुकू की नियत से आंख कम बंद कर लो, सजदे के इरादे से ज्यादा आंख बंद करो, नमाज हो जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। नमाज में कोई छूट नहीं है। और दूसरे खुम्स इसलिए कि किस पर वाजिब है? खुम्स, खुम्स किस पर वाजिब है? हर उस आदमी पर जिस पर नमाज वाजिब। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मुमकिन है रोज़ा वाजिब हो खुम्स वाजिब ना हो, लेकिन जिस पर नमाज वाजिब है उस पर खुम्स वाजिब है। और अभी सुन लिया कि नमाज हर एक पर हर हालत में है। किस पर नमाज वाजिब? 9 बरस की बेटी पर, 15 बरस के बेटे पर नमाज वाजिब। तो 9 बरस की बेटी पे खुम्स वाजिब। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। पंद्रह बरस के बेटे पे खुम्स वाजिब। कहा ऐसा मौलाना, अभी तो बाप के खर्चे पे पढ़ रही है, कोई जॉब नहीं, कोई तजारत नहीं, मुलाजमत नहीं, उस पर कैसे वाजिब है? पूरी बात सुन लीजिए, बहुत अहम हिस्सा मैंने छेड़ा है। तो फैल में जनाब सैयद आके उस पर कैसे वाजिब? मैंने कहा उस पर इस तरह से वाजिब है कि कोई शर्त नहीं है खुम्स के लिए कि मुलाजमत हो तब वाजिब, तिजारत हो तब वाजिब नहीं। वाजिब कब है? बातें करना हो तो बाहर ही रहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जहन भटकता है। उस पर कैसे वाजिब? उसके पास कोई आमदनी नहीं। मैंने कहा उसकी आमदनी मुझसे सुनो। ईद बकरीद आई, बाप दादा चचा मामू खाला फूफी बुजुर्ग खानदान ईदी देता है कि नहीं? यह किसको मिली ईदी? 9 बरस की बेटी को मिली ना, तो उसी की तो इनकम है। खुम्स के लिए इनकम खर्च बचत, बचत पर खुम्स है, तो इनकम हुई कि नहीं? अब खा पी के अगली बर्थडे पे जो बच जाए उस पर खुम्स है। अगली बर्थडे पे बड़े एहतमाम के साथ केक कटने लगा,
हैं। और जहां ये रस्म पैदा हुई, अब तो सिर्फ केक कटता है इसीलिए कि आमदनी हो। हाँ, इसकी खुशी नहीं होती कि उसको साल पूरे हो गए उसके, अब तो रस्मन है ये सब। ब केक कटने लगा तो अजीज अकरबा दोस्त गिफ्ट पर गिफ्ट, तोहफे पर तोहफा आके लद गया। किसकी इनकम है? उसी बच्ची की ना, उसी बच्चे की। खर्च करे, खाए पिए, जब अगली बर्थडे आ जाए तो अगर उसकी जेब में खा पी के 5 रुपए बचे हैं तो 1 रुपया निकालना वाजिब है उस बच्ची पर, उस बच्चे पर। और 5 रुपया खाना हराम है। सलवात पढ़ियो मोहम्मद और आल मोहम्मद। हमारी परेशानी की गुर्बत की ज़िंदगी है, फ़क्र पाका रहता है, कर्जे की ज़िंदगी है, हमारे पास बचता ही नहीं, बचत को हमने समझे ही नहीं। एक फ़कीर है, भीख मांगता है, मोमिन है। पहली मुहर्रम सन 80 से उसने भीख मांगना शुरू किया। मेला खाया नहीं, मेला फाका किया। बकरीद की 30 तारीख आ गई, मौलाना ने उसकी झोली में 10 रुपए डाल दिए, आपने रात की 2 रोटी खिला दी, फुटपाथ पे जाके सो गया। और अब सो के सुबह को उठा है पहली मुहर्रम सन 81 और उसको 10 रुपए मिले थे रात को झोली में, हैं कि नहीं? अब ये तय करो, ये 80 की बचत है कि 81 की इनकम है? हैं, कल 80 था ना, आज 81 शुरू हुआ है, तो आज तो मिला नहीं है, तो 80 की बचत है। उस फकीर पर वाजिब है कि 2 रुपया निकाले, तब 8 रुपया खाए, 10 रुपया खाना हराम है। सलवात पढ़ियो मोहम्मद और आल मोहम्मद। अब आखिरी बात मेरी है और सुन लो, फिर जो मसला पूछना होगा पूछ लेना, फोन से खत से जैसे जाना। वो सो के उठा, उसने देखा कि आलम निकला हुआ है, जुलूस जज्बे में गया, जल्दी से उसने वो 10 रुपए का नोट निकाला, निकाल करके हार खरीदा, आलम पे चढ़ा दिया। आपकी जबान नहीं थकेगी उसकी तारीफ करते हुए, अल्लाह कितना पक्का महब ले गए थे, कितना पक्का आजादार है, कुल पूंजी 10 रुपया थी, फाके करता है, मगर उसने आलम पे हार चढ़ा दिया खरीद के। आप तारीफ करते रहिए, ये नहीं एहसास है तारीफ करने वालों को और खुद उसको कि उसमें 2 रुपए गस्बी लगे थे जिससे हार खरीदा। गस्बी पैसे से जो हार खरीदा जाए उसको आलम पे चढ़ाने से कोई फायदा है? ये तो मैंने मिसाल दी है, पहचान लो अपने लिए। 1000 रुपए बचे थे, हम पक्के नमाजी हैं, कभी छूटती नहीं नमाज। 1000 रुपए बचे थे, गए जा कर के सूट खरीद के लाए, कपड़ा खरीद के लाए, और अब बगैर खम्स निकाले हुए, और उसी कपड़े में अब पढ़ रहे हैं नमाज, जिसमें 200 रुपए गस्बी लगे हैं। तो गस्बी कपड़े में क्या नमाज सही है? गस्बी कपड़े में नमाज सही है? और अब जो मुहर्रम कर रहे हो, आज़ादारी कर रहे हो, नजर कर रहे हो, मन्नत मुराद कर रहे हो, अगर नहीं खम्स दिया तो गस्बी है, सब नाजायज है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद।
बीवी के हक को पहचानो। बीवी ने दीन मुकम्मल किया है। अजीजो रवायत तफसीली है, मैं ज़रा सा खुलासा बता दूँ। आज ही मैं किताब पढ़ रहा था, एक उसमें देखा मैंने शम में, एक शख्स आया नबी के पास मस्जिद में, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ, खाना खिला दिए, कपड़ा चाहिए। अब अल्लाह के नबी हैं, फरमाया तुम्हारे दुनिया से इस वक्त कुछ भी नहीं है मेरे पास, का सलमान इसको ले जाओ। फातिमा के दर पे ड्योढ़ी पे पहुंचा, पहुंच के उसने आवाज दी, अहले बैत रिसालत तो दुरूद सलाम, मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए, कपड़ा। शहजादी ने पसे दर्द से कहा, 3 दिन से बच्चों पर फाका है, ये पोस्तीन जानवर की जिस पर मैं हसनैन को सोलाती हूँ, ये ले जा। उसने पोस्तीन लेकर के कहा कि इससे मेरा काम क्या चलेगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं था, फाका था। फरमाया रवायत ने बताया कि बीबी ने जनाब हमजा की बेटी ने एक हार भेज दिया था तोहफे में, उसे गले से उतारा, पसे दर से हाथ बढ़ा के दे दिया और फरमाया कि जा इसको बेच ले, तेरा सब काम हो जाएगा। उन्हीं की औलाद का हक मार रहे हैं हम, उन्हीं की बीवी के इमाम का हक, औलाद फातिमा का हक हम न दें। वहार लिए हुए सीधे नबी के पास बैठा, नबी अभी असहाब के साथ बैठे हुए थे, मजमा छटा नहीं था। उसने कहा ये दरे से सैयदा पे गया था और ये हार दिया है कि इसको बेच ले, तू आसूदा हो जाएगा। नबी ने असहाब की तरफ रुख किया, अम्मार ने आवाज दी, या रसूलल्लाह आपकी इजाजत हो तो मैं खरीद लूं। इजाजत मिल गई। उसके बाद अम्मार कहते हैं मेरे पास भी कोई पूंजी नहीं थी, खैबर में मुझको जो हिस्सा मिला था उसको मैंने बेच दिया था। आवाज दी, ए साहिल बता तो उसको क्या चाहिए। उसने कहा खाना चाहिए कि भूख मिट जाए, कपड़ा चाहिए कि अपने तन को छिपाऊं, और 1 दीनार चाहिए ताकि सफ़र के लिए हो, अयाल के लिए हो। जनाब अम्मार ने कहा ले सोने के 20
दीनार और 200 दिरहम जो कुछ पूंजी थी, और उसके बाद हवाले करके पूछा के तू आशुदा हुआ? अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह। हाँ, और जहाँ मरने का, और मेरे पास एक सवारी है ऊँट, वो भी ले ले ताकि उसके ज़रिए से तू अपने बच्चों तक पहुँच जा। ये सब कुछ अपनी बिजात अम्मार ने दे दी। पैगंबर ने आवाज़ दी कि इसके सिले में कुदरत ने जहन्नम को इनके लिए हराम कर दिया है, जन्नत इनको परवाह जाए। एक दुरुस्त पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद, बस मैं फजीलतें कहाँ तक गिनाऊँ। दीन को मुकम्मल किया है शहजादी जनाब सैयदा ने, मगर आज़ादारों, मातमदारों, बीवी का मातम करने वालों, तीन हिस्से हैं ना, बेटी, बीवी, माँ। छोटी सी जिंदगी, 18 बरस का सिन, उसमें जिंदगी के हर पहलू को पूरा किया है, मुकम्मल किया है। हाँ, अलबत्ता रोना इस पर है कि नौजवानी थी मगर ज़ईफ़ी तारी हो गई थी। 18 बरस का सिन था मगर आशा का लेकर छड़ी के सहारे से बीबी आंगन में चलती थी। अल्लाह, बड़े मसाइब टूटे। ज़ियारत में फ़िक्रा है, बीबी की ज़ियारत में ये फ़िक्रा है कि फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान तुमको पैदा करने के पहले ले लिया था, तो तुम इम्तिहान में पूरी उतरी। ये छोटी सी जिंदगी पूरी जिंदगी इम्तिहानी है। ये न समझिएगा कि मौला के घर में आने के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूटा था फातिमा पर, नहीं, जब बेटी की जिंदगी थी उस वक्त की मुसीबत भी सुनो, बड़ी सख्त मंजिल गुजरी है बेटी की हैसियत से। जब बाप के घर में जिंदगी गुजार रही थी, बड़ा सख्त इम्तिहान देती रही। औलाद वालों, एहसास करो, खुदा न करे कोई बेटी बाप के आने की आहट महसूस करके दौड़ के जाए दरवाज़ा खोले, और खुदा न करे दरवाज़ा खोले तो देखे कि मेरा बाप सर से पांव तक खून में डूबा हुआ है। फातिमा आहट महसूस करके जाती थी, दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मेरा नबी सर से पांव तक खून में डूबा हुआ, इतने पत्थर खाए नबी ने कि फरिश्ता के पत्थरों से निकाले। जख्मी नबी घर में आता था। ये बचपने की जिंदगी है, खिदमत भी छोटी छोटी से नमूने खिदमत के। इस आलम में जख्मी बाप को लेकर आई बैठाला, तो एक छोटा सा किरदार रवायत में यह है कि बीबी ने बाबा के पाँव के मोजे पहले उतारे। नहीं, अभी एहसास नहीं हुआ,
औलाद वालों सोचो, कितना ही थका बाप घर में आए, अगर बेटी बढ़ के पाँव के मोजे उतारने लगती है तो थकन का एहसास मिट जाता है। फातिमा ने बेटियों को नमूना दिया है, सीरत दी है, नमूना दिया है। उसके बाद अब देखते हैं कि आप अपना आंसू रोक सकते हैं कि रोएंगे। बड़ा सख्त मरहला है, जख्मी बाप को लाके बैठाला है, अभी बेटी की जिंदगी है कम सिनी। लोटा और तश लेके आ गई, बाबा के जख्म धोने बैठ गई। जख्म धोते धोते एक मरतबा फातिमा ने आवाज दी, या अली आइए आइए, ये इतना गहरा घाव है कि मुझसे अकेले नहीं धोया जा सकता। मेरा मौला पानी डालता था और बीबी जख्म धो रही थी, मैदान तबलीग के लायक बना रही थी दूसरे दिन के लिए। रोने वालों, हाँ आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, कितना सख्त इम्तिहान दिया है। मगर एक जुमला मेरा सुन लो, बर्दाश्त कर सको तो। दिल चाहता है हाथ जोड़कर शहजादी से जनाबे से सैयद से कहूँ, बीबी इस कमसिनी में बड़ा सख्त इम्तिहान दिया है आपने, मगर आपको दुनिया ने इतना मौका तो दे दिया कि आपने अपने बाबा के जख्म धो लिए, जरा करबला में आ जाइए। अरे एक बच्ची है बाप खून में डूबा हुआ है, सकीना। बेटी की जिंदगी सुन ली आपने, बीवी की जिंदगी भी सुन लिए दो जुमले। पहलू पे दर गिराया जा चुका है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। पहले घर पहली रात जब शौहर के घर में आई हैं और सायल आया है तो अपना शादी का जोड़ा उतार के दे दिया। खुदा किसी बाप को एक रात की ब्याही बेटी को पुराने कपड़ों में न देखे। मेरा नबी जब सुबह को आया, देखा फातिमा पुराने कपड़ों में, फातिमा क्या हुआ? आवाज़ी बाबा शौहर के घर आई, साहिल आया, अल्लाह रे शौहरदारी का इतना ख्याल कि शौहर के घर की आबरू न मिटने पाए। ये तो आगाज था और इख्तिताम, तारीख ने क्या बताया कि जलता हुआ दरवाजा पहलू पे गिराया गया। शिकम का बच्चा शहीद हो गया, मोहसिन शहीद हो गए। एहसास करने वालों सोचो, ऐसे आलम में औरत का क्या हाल होगा कि जहां पसलियां टूट चुकी हो और बच्चा शिकम का शहीद कर दिया जाए। शहजादी दश के आलम में थी, दर्राना दुश्मन घर के अंदर आए और मौला के गले में रस्सी डाल के ले चले। फातिमा ने दश से आंख खुली देखा, वारिस के गले में रस्सी है। रोने वालों, मैंने इब्तिदा से इंतहा तक समेट के बीवी की हैसियत से खिदमत का जिक्र किया है। देखा वारिस के गले में रस्सी, अपने पहलू का दर्द भुला दिया।
जो फिक्रा सुन लो, खुसूसन कनीजा ने फातिमा सुने, बीबी ने इस आलम में अपने पहलू का दर्द भुला दिया वारिस को बचाने के लिए, अपना दर्द भुलाया मगर इस्लाम का पर्दा नहीं भुलाया, निकली तो सर पे चादर डाल के आवाज दी, अली को छोड़ो वरना सरबरहना हो जाऊंगी। मातमदारो, यह है तारीख फातिमा का निचोड़ खुलासा जिंदगी का, और माँ की हैसियत से भी बद्दो तीन फिक्रे और मजलिस तमाम। अजादारो, बीवी की शहादत सुन लो, शहादत भी सुन चुके हैं कि पहलू शिकस्ता है, बच्चा शहीद हो चुका है, जीने का कौन सा सर वसीला है, पहलू की शिकस्तगी यही शहादत का सबब बनी। जब आखिरी वक्त आया, बहुत सी तफसील आप सुनते रहते हैं, मौला को बुला के कुछ वसीयतें की थी, एक वसीयत सुन लिया रोने के लिए, आप मेरा जनाजा शब में उठाइएगा, रात की तारीकी में उठाइएगा, गैरों को आने वाले जो सब सुनते रहते हैं, एक वसीयत ये थी कि या अली आप मुझको गुस्ल दीजिएगा। सुन सको तो सुन लो, या अली आप मुझे हनूत की जगह कफन पहनाइएगा। बस मेरा सवाल है रोने वालों, बताओ हमारे घरों का दस्तूर क्या है, मर्द को मर्द गुस्ल देते हैं, औरत को औरत गुस्ल देती है ना। कौन पूछे बीबी से, बीबी क्या आपके घर में कोई औरत नहीं है जो आपको गुस्ल दे सके? शादा जी कहेंगी खुदा रख के दो दो बेटियां हैं, पालने वाली आए, बीबी पिराली से क्यों कह रही हैं आप? आखिरी दो फिक्रे हैं, मजलिस तमाम है, बीबी फिर आप अली से क्यों कह रही हैं? शहजादी अजब नहीं जवाब दे, फरमाएंगी फातिमा अभी न पूछो कि मैंने अली से क्यों कहा है, जब वसीयत के मुताबिक अली गुस्ल देंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने अली से क्यों कहा है। रोने वालों, आपने सुना है ना कि गुस्ल देते देते मेरा मौला चीख मार के रोने लगा, अली के जैसा साबिर जख्म को देख के बर्दाश्त न कर सका। अब सुन लो, समझ में आया कि क्यों अली से कहा था आप मुझे गुस्ल दीजिएगा, जबकि बेटियां मौजूद थी, शायद इसीलिए कहा था कि जब अली के जैसा बहादुर फतेह खैबर जख्म को देख के बर्दाश्त न करेगा तो ज़ैनब देखेगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी, उम्मे कुलसुम कैसे बर्दाश्त करेगी, या अली आप मुझे गुस्ल दीजिएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها. والے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، رسوائی کا سبب نہ قرار دینا. پالنے والے ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما، جو عزادار آئے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما.
जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज है उनको कर ससबुक दोष फरमा दे। पालने वाले हमारे इन चंदासियों को कबूलियत का दर्जा अता कर दे। ए मेरे मालिक वारिस करबला, वारिस फातिमा के जहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।